बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बना रही हूँ चीज़ ब्रेड स्लाइस। उसके लिए मैंने एक एक स्लाइस टमाटर का लिया है और मैंने थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च ली है, आधी शिमला मिर्च मैंने काटी है, उसके छोटे छोटे स्लाइस बनाए हैं। तो बड़े मज़े के ना बनते हैं। जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं इनको ना इस तरह से लंच बॉक्स में बना के सुबह सुबह दे देती थी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मैं इनको तवे पे रखूँगी, चीज़ को कद्दूकस करूँगी इसके ऊपर, थोड़ा सा मैं ओरिगैनो डालूँगी और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के तो तवे पे रखूँगी 5-7 मिनट के लिए। और बहुत मज़े के ये ना स्लाइस बनते हैं। तो आज लंच बॉक्स में आप बच्चों को डाल के दे तो बड़े शौक से ना बच्चे खाएँगे और बड़े भी बड़े शौक से खा लेते हैं। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ आप डाल लें और 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्के यानी कि आँच करके तो आप तवे पे रख लें तो बड़े मज़े के बन जाएंगे। और ये देखिए थोड़ा सा मैं ओरिगैनो डालूँगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। तो आज मैंने कहा कि आज ना ब्रेकफास्ट मैं स्टार्ट करती हूँ। बच्चे तो मेरे बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन मैंने कहा आज आप लोगों को बना के दिखाती हूँ कि बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आहत के लिए मैं बनाती रहती हूँ वो, लेकिन वो पसंद नहीं करता, वो ना खाता नहीं है। तो ये देखें बहुत, अब मैंने तवे पे रख दिया है तो ये देखें तैयार हो चुके हैं और बहुत मज़े के स्लाइस बने हैं। तो अभी 12 बजे का टाइम है और तैयब सो के उठा है मेरा बेटा छोटा, उसके मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो वो नाश्ते में ना वाइट आटे की रोटी खाता है, यानी कि ना ज़्यादा घी लगाओ और ना ही ज़्यादा सूखी और थोड़ा थोड़ा घी लगा के। तो वो कहता है इस तरह से बना के दो, और सालन से ना वो शौक से खाता है। और साथ में चाय बना रही हूँ उसके लिए। तो ये देखें मैंने दो रोटियाँ बनाई हैं लेकिन वो तो एक ही खाता है। तो ये देखें उसको अभी दे रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता देने के बाद ना फिर मैंने कहा कि कोई और चीज़ बनाती हूँ, तो देखती हूँ कि क्या बनाना है। तो सालन में तो आज मैंने चिकन और आलू का सालन बना लिया था, उसी के साथ ही तैयब नाश्ता करेगा, दूध वगैरह उबाल लिया है। तो ये देखिए अभी मैं उसको दे रही हूँ नाश्ता। मैंने उससे पूछा था कि अंडा बना दूँ तो कहता है नहीं अम्मी मैंने सालन के साथ ही खाना है। तो वो ना सालन ज़्यादा पसंद करता है शोरबे वाला, उसको अंडा वगैरह इतना नहीं पसंद होता। तो उसके लिए फिर मैं पराठे के साथ सालन ही देती हूँ। तो आज की मेरी जो छोटी सी वीडियो होती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब किया करें और वीडियो मेरी पूरी वॉच किया करें, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादातर शॉर्ट वीडियो डालती हूँ। उसका रीज़न ये है कि वो जल्दी बन जाती है। और अभी मैंने कहा कि 1-2 बजे का टाइम है तो मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। तो उसके लिए मैंने सेब लिए हैं, अमरूद लिए हैं, अनार लिए हैं और केले लिए हैं। तो 4 मैंने फल लिए हैं। तो मैंने कहा कि क्रीम डालूं तो मेरी बेटी कह रही थी क्रीम वगैरह नहीं डालनी, फिर वो ना हेल्दी नहीं रहता फ्रूट चाट। तो ऐसे ही मैंने सारी चीज़ें काटी हैं और इनको मिक्स किया है। इसके ऊपर मौसमियाँ हमारी अपनी लगी हुई हैं सेन में, तो एक मौसमी तोड़ के मैं ले आई हूँ, बस उसका जूस डालूँगी, थोड़ा सा एक खाने का चम्मच तकरीबन मैं डालूँगी चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डालूँगी, चीनी डालूँगी और मेरा फ्रूट चाट रेडी हो जाएगा। तो हेल्दी फ्रूट चाट मैंने बनाया, चीनी भी ज़्यादा मैंने नहीं डाली, क्रीम भी नहीं डाली। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना मज़े का फ्रूट चाट रेडी हो चुका है। आज की मेरी इतनी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी।